नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री गौनिताय की हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे मोर परम गुरुदेव शिष्यमत गौरगंद स्वामी गुरु महाराज पाद पद्मरे सतोटी दंडवत प्रणाम जनाउछि तथा इस्कन रो प्रतिष्ठाता आचार्य शिष्यमत अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपादंकर पाद पद्मरे सतोटी दंडवत प्रणाम जनाउछि तथा उपस्थित शिष्यमत भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज पाद पद्म दंडवत प्रणाम जनाउछि एवं शिष्यमत हरदर स्वामी महाराज पाद पद्म मध्य मोर दंडवत प्रणाम जनाइ तथा समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णव मान पाद दंडवत प्रणाम विधान करी आज जो दीर्घ जो 25 दिन धरी जो आमर पदयात्रा कार्यक्रम चलु था आज हूँ शेष दिवस समापन दिवस आज समारोह दिवस से उपलक्ष्य आम समस्ते एकत्रित होइछे तेणु ये पदयात्रा शिष्यमत गौरविंद स्वामी गुरु महाराज जी की परमात्म गुरुदेव शिष्यमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद प्रीति विधान निमन्ते तथा तंकर जो तीरभाव उत्सव उपलक्षे ये पदयात्रा को से समर्पण करते तथा तंकर प्रीति विधान ये पदयात्रा से 1992 मसीह आरंभ करते से दिन ठीक ये पदयात्रा से समय आमर ये पदयात्रा परिचालना करते गुरुदेव निर्देश क्रमे शिष्यमत भक्ति प्रणाम गोपीनाथ स्वामी महाराज दीर्घ वर्ष धरी से पदयात्रा परिचालना करते गुरुदेव अपलोड पर पदयात्रा परिचालना करतापर शिष्यमत हरदर स्वामी महाराज मध्य आमर ये पदयात्रा को परिचालना करते से मध्य बहुत वर्ष ये पदयात्रा परिचालना करते तेणु ता परवर्ती समय आमर जो नामहट भक्त मैंने संपूर्ण गुरुदेव समर्पण करते कि परवर्ती समय जो आम नामहट भक्त आम ओडिशा जो विभिन्न केन्द्र सब खोलाहला इस्कन से भक्त मान से आम पठाईदल तेणुक से डायरेक्ट पदयात्रा परिचालना करे तेणुक आम संकीर्तन जो अच्छी डिपार्टमेंट तर मुख्य श्रीपाद मदन मोहन प्रभु तत्वावधान पदयात्रा बर्तन परिचालित हो संकीर्तन भक्त मैंने संपूर्ण भाव दायित्व नहीं सहित अन्न भक्त मैंने पदयात्रा सहयोग कर पूर्ण मात्रा तेणु समस्त सहयोग में ये पदयात्रा अति सुरखुरी भाव चलुची तेणु आम जो मैंने पदयात्रा भाग नहीं थे किसी श्रवण करवा जो अनुभूति बास्तव पदयात्रा क्या ना महाप्रभु ये विशेषकर संकीर्तन मुवमेंट आम कौचे जे संकीर्तन को कमी समस्त आगे पहुँचे पार प्रभुपा दीटा मध्यम करते गोटे हूँ जो बृहत मृदम बुक डिस्ट्रीब्यूशन आउ गोटे जोटा कि संकीर्तन जोटा कि संख्या आम कीर्तन करें जप करुचे जप कला फल आम निजे तार उपकार पाऊँ तार निज बेनिफिट पाचे कि महाप्रभु इच्छा जे जदि आम संकीर्तन करवा जदि आम कीर्तन करे पदयात्रा करतन कराऊे ताद्वारा कौन पशु पक्षी कीट अन्य प्राणी मान यार उपकार प्राप्त हो तेणु या द्वारा समस्ते उपकृत से इच्छा महाप्रभु करते जहाँ कि प्रभुपाद या को पूर्ण करते तेणु या पर अधिक आम श्रवण करवा जेहेतु आम पाखे दु जन महाराज उपस्थित अच्छा सर्वप्रथम मुझे अनुरोध करी शिष्यमत भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज को
से जेहेतु गुरुदेव समरी पदयात्रा ओतप्रोत भाव जड़ित आज पर्यंत तेणु आम श्रवण करवापर श्रीमद हलर स्वामी महाराज के आम जो भक्त मैंने पदयात्रा डायरेक्ट समस्ते संतुष्ट थे जो मैंने कि गुरुदेव समर मध्य पुरंदर आचार्य प्रभु आम बहुत पुराणा भक्त जी कि 92 मसीह से पदयात्रा संपर्क थे से मध्य आज पर्यंत फैमिली नहीं कि आसिक से पदयात्रा रोचान गाँ गंडा भितर श्रवण करवा बर्तन आम अनुरोध करवा श्रीमद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज को हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिम्रांध्य ज्ञानांजन स्वरूपय चक्षुरुन्मीलित जैनम तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भद्रश्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भद्रश्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्ण समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद एवं एठार उपस्थित इस्कनर अन्यतम गुरु आचार्य श्रीमद हलधर स्वामी महाराज एवं अंतराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखार अध्यक्ष एवं एठार उपस्थित इस्कनर भक्तवृंद एवं आमर अंतराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रतिष्ठाता श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज जी कि आम रथरे उपस्थित अच्छा एवं पछे अच्छा श्री श्री गौरनीताय समस्त कृपा भिक्षा कर आमे यही पदयात्रा संपर्क में आमको किसी कहवापी सुजोग प्रदान कर मुझक धन्य मन करशेषकर आमर यह पदयात्रा आरंभ होता श्रील प्रभुपाद जो जन्म शतवार्षिकी 1896 मसीह से आविर्भूत होते भारत में 1996 मसीह जन्म शतवार्षिकी उत्सव उपलक्षे आमर 1990 मसीह आरंभ होता समग्र विश्व प्रभुपाद प्रचार किभ भाव इस्कन प्रचार किभ भाव विभिन्न केन्द्र जन्म शतवार्षिक उत्सव 90 मसीह आरंभ हो जाता आमर 1992 मसीह भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर आम आरंभ करूँ ये पदयात्राटा ही प्रथम कार्यक्रम प्रभुपाद जन्म शतवार्षिक कृति उत्सव उपलक्षे तापर आम हरेकृष्ण उत्सव होता किंतु पदयात्रा कार्यक्रम ही प्रथम होता जो थी कि आमर पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज एवं आमर से अध्यक्ष श्रीपाद चैतन्य चंद्र दास महाराज से मैंने ये पदयात्रा संपर्क कि जान नथिले किंतु जड़े वृद्ध लोक जी कि पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी करते परवर्त समय से रिटायर्ड होमर गुरुदेव पाखे आस कहे आम गोटे पदयात्रा करवा गुरुदेव कहे क्यों पदयात्रा कौन कर तुम पदयात्रा बोले आम गोटे संकीर्तन करके पदयात्रा करवा बोले जाओ से प्रेसीडेंट सहित कथबार्ता कर मो पाखे तुम कथबार्ता कर तेणु से जितेबाला आसिकी आम प्रेसीडेंट चैतन्य चंद्र प्रभु पाखे आसिक पहुँचले से चैतन्य प्रभु पचारे कौन तुम तुम कार्यक्रम कौन ना आम सब विभिन्न केन्द्र करवा 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर गोटे केन्द्र हम सेठार सब भक्त मैंने जीवे नाम कीर्तन करेंगे एवं कथा हम ता सहित भक्त मान प्रसाद दिजिव रात रेपर अन्न केन्द्र को जी से प्रभु कहले कह तुम गोटे से भाव में प्रोग्राम व्यवस्था कर से कहले आम करवा प्रथम आरंभ आमर पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जो कि पूर्वाश्रम ठार आम आरंभ करवा एवं से भाई गोटे से कार्यक्रम प्रस्तुत कले 15 दिन 16 दिन कार्यक्रम एवं से कार्यक्रम प्रस्तुत कला सेमर अध्यक्ष महोदय नहीं कि गुरुदेव पाखे पहुँचले गुरुदेव पाखे पहुँचिक देखिले से कत जगार गार मरा हो कत जगार गार मरा है सेठ पचारे अध्यक्ष को पचारे गुरुदेव पचारे ये जो गार मरा है गार मरा है कौन से अध्यक्ष कहले चैतन्य प्रभु कहले जो आम अधिक लोक हे से आपण जी जो लोक संख्या अधिक हे ना से आम भक्त मान चलेदेवे से कहे अधिक लोक आसवे अधिक लोक न आसवे ये सब कौन आम चाहूँ संकीर्तन पदयात्रा संपूर्ण भाव जोर देवाई तुम्हें कौन कौ जो गोटे गोटे कार्यक्रम में मुझे सी गोटे कार्यक्रम जी ये कि कथ चैतन्य महाप्रभुंकर ये हूँ कार्यक्रम जोटा कि समग्र विश्व से प्रचार करने जोटा कि भविष्य पाणी थी पृथ्वी ते आछे जत नगरावती ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर ना मुक जगह जी सी एत जगह जी ये कौन सब ये सब किसी हो समस्त जगह जी तेणु महा गुरुदेव जो प्रकार आग्रह थी जो व्याकुलता थी एवं से आम मान संगे से कार्यक्रम जाऊले एभली भाव जदि आम किसी न जनाऊलु आम धर सका कार्यक्रम करूँ जो अल्प लोक होते
आम नजुल सांगे सांगे से पचारि बुझुते से तो ना मोबाइल सिस्टम ना लैंड फोन भी सब व्यवस्था सी भी ना से निजे आसिक बेले बेले पहुंची जाते जो रहु भक्त मैंने से आँच जाते कहीं मतलब जन कौन तुम असुविधा है सुविधा है मुझे जनवा कथा तुम्हें आसिक आम कह कथा एम कहीं करुन ये भाव से कहते आते आग्रह था कहले तो मैंने बहुत समय लगे मुझे कहबी नहीं अन्न मान कथ कहार अच्छी थिला लास्ट पदयात्रा हूँ 1995 मसीहा 1995 मसीहा खोर्धार तर शेष पदयात्रा खोर्धार शेष पदयात्रा आसिक पहुँचे भुवनेश्वर से आसवे से प्रस्तुत होती खोर्धार से रही कि शेष करके आसवे कि भुवनेश्वर मंदिर आसला फोन आसला कौन मीटिंग अच्छी मंदिर में से जावाक पड़ो से कहे आम मीटिंग गला मैंने से गला मैंने भुवनेश्वर तो आउ तो आसपरानी से जो प्रकार सब रही प्रोब्लेम विभिन्न समस्या रही से समस्या को समाधान कर आसिक पदयात्रा पहुँच पारे आमको ये सब कार्यक्रम सारिक आमको जावाप तेणु से 95 मसीहा जो पदयात्रा शेष पदयात्रा से पदयात्रा से संपूर्ण सरला सरला से समस्त ग्रुप रोटे फटो समस्त ने से फटो नहीं सारापर जड़े जी गोटे जड़े उद्योक्ता थे फटोटी उठी पार ना सी परवर्त समय से अनुरोध कले मो फटोटी उठी पार्लानी कारण समस्त भक्त मैंने सब ढाईगले फटोटी उठी पार्लानी से गुरुदेव बाहर कार कर भुवनेश्वर फेरवाई मुझे जा गुरुदेव कहली आम जो भक्त से मारवाड़ी लोक ओडिया नुहत मारवाड़ी लोक सी इटी कार्यक्रम बहुत साहय सहयोग कर फटो उठी पार ना तेणु सी आप सहित फटो उठाप चाहते तेणु गुरुदेव सांगे सांगे कहे ठीक अच्छे मुझे कारु बाहरी आसे सहित केवल से फटोटी उठे देखो गुरुदेव मैं सी भक्त नुहत केवल से साय कर पदयात्रा सहित से फटोटी उठेगले फटोटी उठेला गुरुदेव चलीगले चलीगला 1996 मसीह गुरुदेव मायापुर चलिक जाकर अप्रकट लीला से कले से लोकटी मन पक कहते जदि मो सहित गुरुदेव से फटोटी उठी ना तो आ गुरुदेव संगलाप कर पार ना से कथा को से फटोटी उठे फटोटी रखिंट घर रखिंट देखिए कहते देखते गुरुदेव मो प्रति के अपार दया एत अपार कृपा से मो प्रति कर मो सहित से फटोटी लास्ट मोमेंट से फटोटी उठाई तेणु ये भाव में पदयात्रा जो विशेष अनुभूति सब रही अभिज्ञता रही आम जीवन में आम देखीचु जो प्रकृत पक्षे जो संकीर्तन महाप्रभु संकीर्तन किभली भाव में समस्त कि भाव से उपकार करुच्चे जे भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होला जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार ये हूँ प्रकृत परोपकार कार्यक्रम आम खाद्य दवा रोगी को पथ्य प्रदान करवा अंधलोक को चक्षु दवा असहाय को सहायता प्रदान करवा ये हूँ उपकार नुहे प्रकृत उपकार हूँ महाप्रभु संकीर्तन प्रचार कार्यक्रम एवं आम जो कार्यक्रम करने समय गोटे गोटे बहुत बड़ बड़ समस्या आसी से समस्या को महाप्रभु किभली भाव में आमको साय कर महाप्रभु आम कि उद्धार कर गोटे गोटे अभिज्ञता को आम विश्वास करेंगे गोटे कथा कह दुईट कथ कह सर आम हलधर महाराज कह गोटे स्थान में जस्ट प्राय 15-20 वर्ष पूर्व गुरुदेव अप्रकट हो जाते आम प्रथम पदयात्रा आरंभ होता है मदन मोहन प्रभु भी था प्रथम पदयात्रा आरंभ होता है आम गोटे गाँव में जाइ नाम कीर्तन करने भक्त मैंने सब जाइंट शगड़ जाऊँच रथ जापुर अच्छा प्रभुपाद अच्छा गुर्नीत अच्छा से सब मईसी मैंने सब बंधाई ये जो संकीर्तन जितेबाला से मैंने सब मईसी मैंने सब सब हुरुड़ी पड़े शब्द जो शुणिले रथ देखे सब हुरुड़ी गला हुरुड़ी भगा छिड़ी दौड़ी आसे आम भक्त मानक तेणु भक्त मान पाखे जो दौड़ी आसे सब भक्त मैंने कौन कले ना पिंडा को चढ़ीगले घर पिंडा को चढ़ीगले कितु ये जो विदेशी स्त्री लोक दी तीन जन थे आम तो गोटे विदेशी लोक स्त्रीलोक अच्छे से बहुत स्त्रीलोक रोते प्राय 10-15 लोक स्त्रीलोक रोते रशियान जन स्त्रीलोक थे झील पे दुटा झील को लेकिन आसते से जाणी ना ये जो मईसी आसुच्च कौन करा आम सब गच ना घर पिंडा फिंडा सब चढ़ीगल कि जापार ना से सब रास्ता ना दांडर ढाई समस्ते पूरा विदेश लोक ढाई से गोटे मईसी आसा गोटे स्त्रीलोक छाती से चढ़ीगला पूरा आम भाई गला से छाती अंत बजे बाहरी पड़ते गला आम जो कौन हम परिस्थिति रथयात्रा तो बंद हो कौन हम बाहर देश लोक आम केस फेस कौन हम इन सिल हो कौन होम क्या चिंता करी देखला बेलू से लोक स्त्री लोकटा प्रकृत पक्ष उठी पड़ा तार किसी क्षति है देखो से मईसी चढ़ी चढ़ी मानते चढ़ी आम देखीचु कि डेक पड़ी कि भाव में महाप्रभु साहय कर हरिनाम संकीर्तन करते ये हूँ गोटे यार उदाहरण ज्वलत उदाहरण आ गोटे उदाहरण मुझे कहबी जे दसपल्ला अंचल आम पदयात्रा होता है गुरुदेव से था 1992 मसीहा 93 मसीहा खंड हम से समय प्रबल शीत पड़ता है ये शीत दिन सतपति प्रभु था बोध मत महा मन हो अच्छा
आमर गोटे पहाड़िया अंचल प्रोग्राम होता है संध्या प्रोग्राम सेठिक आम रथ जापार नए आम मना कलु रथ जीवन पहाड़िया अंचल उपर गले रथ भांगी जीव तेणु आपण मैंने रथ नियंतु ना आम भक्त मैंने जी से गाँव में प्रोग्राम कर राति प्रोग्राम करेंगे आउ गुरुदेव को भी आम आमंत्रण कलुनि कारण असुविधा हम आसपाई कार फार जा असुविधा हम आम रात चलू बोली गुरुदेव को भी आमंत्रण कलुनि कितु सी लोक गाँव लोक मैंने जबरदस्ती कहले आम रथ को सेठी नबू गाँ से गाँव को नबू मुझे अरे नहीं पार नहीं तुम रथ भांगी चक भांगी सी भांगी तुम निना कि जबरदस्ती से कहला आम टाणी नहीं चलू कथ मानले टाणी नहीं रथ को नहींगले आम भक्त मैंने समस्त गोटे स्कूल घर समस्त रही आदिन गाँव को भक्त मैंने कहीं गले से सब रोषेवास कर सब गाँव लोक खाइले कि भक्त मैंने डाकिले सब गले कारण आम कथ कहीं शुणिले ना आमको बर आ मैंने अकथ्य भाषा गाड़ी गुलज कले भक्त मान गाड़ी गुलज कल भक्त मैंने सब अभिमान कर रात में उपवास समस्त शुगले शुगले पर दिन हूँ एकादशी से दिन रात उपवास पर दिन हूँ एकादशी तेणु कौन एकादशी तो कौट खाइबार व्यवस्था ना गाँव में कौट फल मिल कौट मिल कौन सब फल अंगुर कौन सब मिल तो गाँव में मिलबार व्यवस्था ना तेणु आम भाव आज भी उपवास हो कितु देखू महाप्रभु कि प्रकार व्यवस्था सका से दिन आम जन जी पदयात्रा बुझु था ना हूँ हयशीर्ष प्रभु सी जीप्रे फल पैकेट सब नहीं मिक्सचर्स नहीं सब आस सका भोर है राति पाई आस पहुँचे आम देखिए आश्चर्य कहारे ये कौट आसगला आज सकाल ठीक आस पहुँचा ना सी जाते भुवनेश्वर जाते गुरुदेव कौन आने सिलिंडर गैस फैस आने डाकमला रोष हो तेणु सी जाते आने जिते बड़े आणुच्च से समय आत्माराम प्रभु थे लाइफ मेम्बर डायरेक्टर थे से समय जो लाइफ मेम्बर कहे भक्त मैंने तो सब जा पदयात्रा करवाई आम कि फल ये सब पठाऊ तेणु सब से कमलाबु अंगूर मिक्सचर ये सब आलू चिप्स इत्यादि सब पूरा पैक कर पठाई मैंने आम जी भक्त अच्छा तीन दिन खाइले भी सर ए प्रकार भाव में आसिक पहुंचे तेनाली महाप्रभु किभ भाव में आमको साहय कर संकीर्तन करने उत्साह प्रदान कर जो गीतार कथ कई अन्न्य चिंतन तो मांग जे जना पर्युपाशते ते सांग नित्याभिजुक्ता नांग जोग क्षम बाहम गुरुदेव को जिते बड़े मुझे कथा कहली जमी आम उपवास रही रात पर दिन सी ये भाव में आसिक पहुँचीगला यही श्लोकटी से दिन से जो कार्यक्रम है पर दिन रात जो कार्यक्रम है यही श्लोक बहुत जोर से कथा कही भगवान नाम जो मैंने कीर्तन करवास भगवान रही रखे के निश्चित भाव भगवान से प्रसाद जगे ये हूँ तहार ज्वलंत उदाहरण आपण मैंने सब संकीर्तन पदयात्रा अंशग्रहण कर सब जानते अभिज्ञता यह भाव में थी निश्चित भाव में आपण मैंने तो निश्चित भाव कह बर्तमान अनुरोध करी फलधर महाराज सी तो बहुत दिन परिचालना पदयात्रा परिचालना करते सहित भक्त मान सहित सुसंपर्क रही तेणु तक आम अनुरोध करवा सीता अभिज्ञता संपर्क में कथ कि करेंगे हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की क्षमवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गुरु हरे कृष्ण नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नीति नामिने नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथमे पूज्यपाद महाराज चरण कमल आम सतु समस्त वैष्णव मान चरण कमल प्रणति नवेदन करील प्रभुपा श्रील गुरुदेव तर अशेष कृपा आप संकीर्तन पदयात्रा कर प्रकृत आम मोमेंट नाम हूँ हरे कृष्ण मोमेंट आम आंदोलन आम प्रथम प्रभुपाद पत्रिका बाहर करते बैक टू गडेट प्रभुपाद लिखते हरे कृष्ण मोमेंट आम
आम आंदोलन हूँ आम एक आंदोलन करछे आंदोलन स्ट्राइक इंग्लिश रे स्ट्राइक कहले रिवोल्यूशन आम हरे कृष्ण रा रिवोल्यूशन करछे आमर उद्देश्य रहछि केमिति लोक माने हरे कृष्ण जानिबे महामंत्र करिबे यार जनक होछन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभुंकर जन्म सिठरे ही नथिला नदिया नवदीप जो थिला से विद्यानगर थिला पंडित माने सो आसंती गंगा कूल बहुत विद्वान पंडित समाज भितरे महाप्रभु अति शुद्ध ब्राह्मण परिवार रा आविर्भाव हेतिले तो महाप्रभु सन्यासी रेले सिटी रे कटुआ कांचन नगर जोटा आज भी महाप्रभुंकर केश अच्छा समाधि अच्छा महाप्रभु सन्यास नेला परे महाप्रभुंकर प्रथम काम रही थिला कि बोली काहेकि सन्यास महाप्रभु सन्यास नवार कारण थिला मु घरे रही होची मु ग्रस्त अच्छी मु विद्वान पंडित लोक माने मते विरोध करछन्ती काहेकि मु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करूछी सन्यासी हेगले लोक माने मते प्रणाम करी सन्यासी बुद्धित मते करिवे नमस्कार सन्यासी मानको देखला लोक माने प्रणाम करंदी प्रणाम कला मात्र से कृपा पाइबे श्रद्धा आसो आदित्य रहा मत नाम कीर्तन प्रचार करने को पड़ो आम जो जगार बसीचे चैतन्य महाप्रभु ये जगह को आई साइड रे जाइए चैतन्य महाप्रभु सन्यास प्रथम सन्यास नेले सन्यास नहीं अद्वैत आचार्य गृह को गले सचिमाता दर्शन कले सचिमाता अनुभूति नहीं पूरी को आसिले परवर्ती रथयात्रा रे महाप्रभु दक्षिणात्व गले दक्षिणात्व आसिले दक्षिणात्व आसिक महाप्रभु पुणी गले वृंदावन महाप्रभु वृंदावन जाई परले नी पुणी अद्वैत आचार्य शांतिपुर हेकि महाप्रभु गले कानाई नाटशाला पुणी फेरिले फेरिकी रहिले पुरी रे तापर वर्ष से महाप्रभु वृंदावन जीवा बाहर से आठगढ़ को आसप्रभु जो झारखंड आठगढ़ आठगढ़ बणई छोटनागपुर ये जोन टा जो जंगल थी आपको पूरा पूरा जंगल को कह जाए झारखंड आज आज से झारखंड जो बिहार झारखंड झारीखंडी बन तार नाम झारीखंडी बन अति मनोरम थी महाप्रभु नदी जो चहटा घाट अच्छा पार होती आठगढ़ आठगढ़ रु बाट जा नरसिंहपुर हेक महाप्रभु जा अनुगुल ये बाटे पसलहड़ा पाल्लहड़ जा महाप्रभु से बाटे राउरकेला रही गोटे सैड के पस महाप्रभु आम आप डायग्राम देखिए पूरा जाए महाप्रभु जो चरण चिन्ह अच्छा चरणी पहाड़ कुजु महाप्रभु से बाहर से काशी महाप्रभु काम कौन रही महाप्रभु से आज तो माइक्रे कीर्तन करने को पड़े से तो परिवेश शांत थिला आ भगवान एते सुंदर महाप्रभु गाय गोरा मधुर स्वर महाप्रभु एत मधुर स्वर रे नाम करते वृक्ष कारण आम जो जप करे आमर उपकार आजिकल आप देख जप करा बहुत डिफिकल्ट सब आक्टिविटीज भल लगे जप कला नीत लगे ना जप कला मन चंचल हम ना जप कला सब सब कथ मन पड़े स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रा जोटा आम गुरुदेव सफल कहते आम जो आध्यात्मिक शक्ति पाइबा गोटे व्यक्ति आम दीक्षा हूँ हरिनाम आम साधन हूँ हरिनाम आम लक्ष्य हूँ हरिनाम मत के रही अलग जुग में समस्त डायरेक्ट चाहते कृष्ण को राधा कृष्ण चरण में मती रखा आम ये पार्बानी भगवान करुणा करी से राधा कृष्ण नाम रूप आम प्रथम नाम मती हम नामे रति हईले प्रेम उदय प्रेमे हरि हरि के पाए आम मुख्य उद्देश्य नाम मत रु नाम के मती रही तो कलिजुग परेश दूषित हो गले आप देखुन ये लगुच भुवनेश्वर के लगुच आप स्वर धारण करना सकाल उठला मैंने अटोमेटिक आप बडी रात अक्सीजेन नहीं मैंने अपने सकाल टायर्ड फिल करेंगे ही करेंगे ये मैंने पदयात्रा चलुंट केतन कर पचारत सकाल उठी पड़े फ्रेश लगे कौन कर कलिजुग ना कलिजुग किसी करें तो नामटा जो जप करने जप करने जन प्रथम विश्वास दरकार द्वितीय तार चित्तर वृत्ति चंचल जमी ना
ମାନେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନଟା କରିବ ନା, ନାମ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗୀ ମାନେ ସବୁ ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ନାମଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ମନଟା ଯେହେତୁ ଚଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଯେମିତି ଯିଏ ଶୋଇଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଦେବି ଏକ ଉଠ, ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା ତାକୁ ଉଠେଇଲା। ଜୀବର ଯୋଉ ଚେତନାଟା ରହିଛି ତାର ସବୁବେଳେ ଜଡ ଚେତନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ନାମଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ନାମରେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଏଥିରେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ, କାହାର କାହାର ଲାଭ ହୁଏ? ଜପ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କରେ ତାର ଲାଭ, ଆଉ ସବୁ ତରୁ ତରୁ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁକୁର ବସିଛି, ଏ କୁକୁରଟା ଯାଉଛି, ସେ କି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସିଲେ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ଲତା ସେମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛେ ନା, ଆମର ଅପରାଧ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣ, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛେ ନା, ସେ ଆଜି ନାମ ଶୁଣୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ହବ, ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, କାରଣ ଏ ନାମ ପରମ୍ପରା ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଖାତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତି ବର୍ଣ୍ଣ କା, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ ବହୁତ, ତେଣୁ ନାମଟା କଣ କରେ, ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ହରିନାମ ଚିନ୍ତାମଣ ଲେଖିଲେ, ଏଥିରେ କେତେ ଉପକାର ହଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ବି ଯିବେ ଆମେରିକାକୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଜି ଆପଣ କି ବୁଝିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସବୁଦିନ ନାମ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆଜି କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି, ଏ ସବୁଦିନ ନାମ କରିପାରିବ, କାରଣ ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଜୀବ କରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର। ଏ ଲାଉଡ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା, ଯାହାର ମନ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ମନ ଲାଗୁନି, ଯାହାର ଜପ ହଉନି, ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୌଣସି ଲେକ୍ଚର 45 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଆୱର, କିନ୍ତୁ 1 ଆୱର ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଣ୍ଡରେ କୀର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି? ପ୍ରବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫିଲୋସଫିକାଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଫେଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେଥ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଫିଲୋସଫି କୁହ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ, ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବର ଉପକାର ହବ, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତା ଦୟାଟା ଭଗବାନଙ୍କ କତିରୁ ପାଇବେ, ଆଉ ମନଟା ନାମରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଆଉ ହୋଲ୍ ଡେ ଆପଣ ବସିବେ ଆପଣ ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନାମ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ନାମ ଦେବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଏ ପଦଯାତ୍ରା ପାଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଦଗଦ ବଚନ, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବୋହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଲୋକ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଲି ବସେଇ ଦିଅ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କାନ୍ଦିବ ନାମ କରିବ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଧୋଟି ଆସିବେ, ଦେଖ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, କାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ? ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ବସେଇବା, ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ବସି କାନ୍ଦିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯିବେ? କାନ୍ଦିବ ଯିଏ, ଯିଏ କାନ୍ଦିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁ ଦେଖ ଭଗବାନ ନାମ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ତରୁ ଲତା ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ରେସିପିକେସନ କରୁଥିଲେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା କୃପା କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖାଲି ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡିସାଇପଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାମଟା ଦେଲେ ନା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ବେଶୀ ମୁସଲମାନ ରୁହନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ପରମ୍ପରା ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଏଇଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭକ୍ତ ବାହାରିବେ, କାରଣ ଆମର ଶକ୍ତିଟା ସେଇଆ। ମା ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲରୁ, ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିର କରିନାହାନ୍ତି,
गंभीरा थिला सेठ महाप्रभु रोते महाप्रभु कौन मिशन मठ करना प्रभुपाद आचार्य मैंने कहीं मिशन कले मिशन न कले आम मान असंस्कार अच्छे आम गोटे जगह रही भजन कर ट्रेनिंग आम हमने आमको शिक्षा किसी मिलवानी महाप्रभु किसी कर महाप्रभु केवल गोटे जिनस कर महाप्रभु केवल नाम संकीर्तन कर तेनाली हूँ ये तो आम दस दिन पंद्रह दिन करें आगे कोरापुट जाऊ कलाहांडी जाऊ पंदर दुई मसे सगड़ा से लोकाली तैयारी करूँ लोकाली बलद आपे लग आनंद जो मैंने जीवन में केवे भी भगवान को प्रणाम करना ये छुआ मान देखु प्रणाम कर प्रणाम कर माँ मैंने सब कछा मारे लुका मान माँ मैंने कछा मारिदे माँ तुम्हें प्रणाम कर प्रणाम कले कह शोजे आ जो बाटे कीर्तन जो बाटे कीर्तन से दुकान सब खाली कहीं गोटे नड़िया जी नहीं आसे से गरीब लोक कत खाइबा ना धूपकाठी आम भर्ती रुहे मानते श्रद्धा आसे भगवान को देखिक नाम कीर्तन शुणी ये आप जो कीर्तन बाहर बामगढ़ में गोटे माताजी कह था दीज दीज माँ कथ आम कौन भाग्य देखिपर कौ आस पढ़ाऊँ तार पु कौ था आम के बड़ भाग्य ठाकुर को देखिले गोटे जीव आज श्रद्धा देख आम जी श्रद्धा ना से गोटे जीव पाईला से जीव ही नेक्स्ट लाइफ गोटे प्योर डिवोटी गोटे प्योर डिवोटी मिशन से आमर विश्वास प्रकृत आम भक्त बा दीक्षा नवास प्रभुपाद सहित जोड़ रहा कि सब इम्पोर्टाट हूँ परंपरार प्रिंसिपल विश्वास तुम नाम विश्वास प्रभु साधु विश्वास परंपरा आचार्य विश्वास यहाँ हूँ आम फल आउ नाम संकीर्तन ही केवल जीवर सर्वभक्ति साधन उद्गम आम जी को जीवन भक्ति हो नहीं ताको जानवे से कौन सी प्रोग्राम बर्तमान आम इकन जीवी सी सब बड़े मीटिंग करा बड़ बड़ मंदिर मान समस्त ब्रह्मचारी मैंने समस्त डिबोटी मैंने संध्या आरती के आसवे आरती कीर्तन करूना नाचुना प्रोग्राम करा कहीं कीर्तन न कले धीरे धीरे श्रद्धा पड़े उच्च संकीर्तन बहुत आवश्यक कारण आम श्रद्धाहीन जीव उच्च संकीर्तन अपराध हुए ना साउंड वाइब्रेशन जोर रही ना नाम जब अपराध हम विभिन्न मन चिंता हम से आमको ये प्रोग्राम ये पंद्रह दिन मसे कले गुरुदेव थिला बेले प्रतिदिन विदेशी मैंने बाहर की जाते गांधी मार्केट है पूरा से आईआरसी विलेज पूरा कीर्तन करके आस प्रभुपाद प्रथम फर्मुला एबि प्रभुपाद शिष्य मैंने अच्छा अमेरिका लंडन में देखी एबे सका बाहर बैदिकट धरवे चलिए रेलवे स्टेशन मेट्रो पाखे साइड रे मार्केट पाखे कीर्तन हरे कृष्ण कीर्तन कर कुकी गोटे गोटे नहीं गोटे प्रसाद नहीं थे पैकिंग दौर लोक मैंने खुशी हूँ हरे कृष्ण कहे तेनाली आम प्रकृत यहाँ महाप्रभु सुखी हे बहुत जीवन उपकार हो प्रवचन सेकेंड स्टेप फिलोसॉफिकली जन जो एडवांस क्लास श्रद्धा आसला फिलोसॉफिकल वन हु वांट्स टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ फॉर देम यू कैन डिस्कस फिलोसॉफी जी एडवांस चल फिलोसॉफी डिस्कशन कर अदरवाइज बेस्ट हूँ सेवार लगाओ नाम कीर्तन करूँ प्रसाद प्रभुपाद कहते सिंपली इफ यू फोकस ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण यू विल बिकम परफेक्ट कीर्तन को सब जातु सब भगवान आपको बुद्धि देवे सदबुद्धि देवे मैं बेस किसी कह समय बहुत हो गले बर्तमान भक्त मैंने किसी कहे तेनाली कार्यक्रम करूँ सहयोग करूँ ए महाप्रभु खुशी हे प्रभुपाद खुशी हे हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की जय गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय संवेद भक्तवृंद की जय पदयात्री भक्तवृंद की जय निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण ये पदयात्रा को बर्तन परिचालना कर श्रीपाद मदन मोहन प्रभु खाली परिचालना कर से जो दिन पदयात्रा आरंभ होला से दिन ठू से संपूर्ण भाव पदयात्रा भाग नौले कीर्तन करते तेणु से भाई आज पर्यंत से कीर्तन भी कर समस्त प्रकार परिचालना करचुअली आम गोटे गोटे फैमिली जो परिचालना करते करुचे के डिफिकल्टी जानते हैं जो भाई परिस्थिति रे आज गोटे प्रोग्राम कर कैंसल हो जाए पुणी आ गए नूतन करा पड़े विभिन्न प्रकार सब रहा समस्या खाइबा समस्या बहुत प्रकार समस्या अच्छे तेणु से समस्या को से भ्रुक्षेप नक
महाप्रभु जो आंदोलन अच्छे से समस्त भक्त सहजे आगे नहीं तेणु आम कि श्रवण करवा मदन प्रभु अनुरोध कर निजर दीर्घ बर्षर अनुभूति सहित जो प्रेजेन्ट जो पदयात्रा बर्तन चलती तार अनुभूति संक्षेप समस्त कह क्या समय कम तेणु आम अनुरोध कर मदन प्रभु हरे कृष्ण महाराज की जय प्रकृति पदयात्रा आम कर गणता निजे करचा कर मोर अनुमति प्रथम दिन आम डमणा आसलु डमणा आमर रोसे होची गोटे ना इसको नामर पटिया सेठी होची रोसे मो रथ आसी पहुँचला पहुँचला परे कार्यक्रम माने प्रोग्राम आरंभ हबो मो कहली जे पिलाकु जा भोग आनिबो ठाकुर आनले भोग लागे भोग लागे छ आसीनी भोग लागले ठाकुर आरती हबो एक कथा पढ़ लगला सी सियाडू सी खाई दे चंदी देखु से समय कौन आम जो परिक्रम कर जन पूरा ये फल दे मान मीठा पिठा सब दे कहला बाबा ये रखित तुम्हें ये भोग लगे तुम ये रख तुम भोग लगे आम जिन पहुँचल मुझसे डाकिल पहुँचनी पूजा कल भोग लगे क्या प्रभु अच्छे से जिनस भोग लगे तेणु प्रत्येक जिनस गौनी कार्यक्रम से करे पदयात्रा सबकिजे खाइबाटा हेल्ले व्यवस्था कर दौरान तेणु प्रत्येक बहुत समस्या रही कि समस्या प्रत्येक बहुत अच्छी कि समस्या गुडा सब समस्या गुडा से कर समाधान कर दौरान कारण ये दायित्व रहा सी गौनी प्रत्यक्ष अनुभूति पाई आगे आम गोटे जगार आमे बुले बुले जाऊ गोटे प्रोग्राम शेष हेल्ला बंद हेला ना कल प्रोग्राम क्यासल होगा से जगह जगह आउ गए से जगह जा संगे संगे से लोक कह आज्ञा ना प्रोग्राम करते बहुत सुंदर प्रोग्राम सब प्रकार साहय कर से गाँव टाइम बहुत प्रकार साहय कले बहुत सुंदर प्रोग्राम हला एम प्रत्येक जगह मो पाखे अच्छा आमर सुदर्शन जगन्नाथ प्रभु से कह सी अनुभूति ए बर्ष अच्छा सी बहुत मत सा बेस जगह जाए सी निजे सब जगह जाकर अनुभूति मानने मुझे सब कह देख के जगन्नाथ आम सा कर प्रत्येक समय मत बहुत साहय कर ड्राइविंग जानते आ सी आडभांस जाडभांस जा आगु पूर्व मो पूर्व संगे से गोटे जगह से आडभांस जाती आते बहुत साहय कर प्रोग्राम जो भक्त मान बहुत साहय कर प्रत्येक भक्त जो पदयात्रा से मैंने बहुत बहुत सुंदर भाव साहय कर प्रत्येक भक्त पुरंदर टू आरंभ कर महाप्रभु महाप्रभु आगे चली पारे वर्ष पूरा संपूर्ण आरंभ चलते बर्षे किसी वर्ष चल नए कि वर्ष पूरा संपूर्ण भुवनेश्वर आर चलते तेना सब भगवान की इच्छा कृपार ये पदयात्रा होमें निमित्त मात्र प्रोग्राम से कर जय श्री गुरुदेव की जय श्री गोपाल महाराज की जय समस्त आम कि उपहार दौ ये अनुभूति पर मार हस्तर से उपहार ने महाप्रभु को आम अनुरोध कर आगे सीना डिबेट कर Thank you.
वंशा कल्पतरु भेष्ट कृपा सिंह भेष्ट प्रत्यपापन वस्तु महाजमान जय श्री गुरुदेव कृपा जी महाराज की जय। उपस्थ प्रिय गुरुभ्राता सनेसी हमर गोपनाथ स्वामी महाराज हलु स्वामी महाराज एवं मंदिर अध्यक्ष सरपति प्रभु भक्तवृंद मातृवृंद आमको आज कह किसी आम पदयात्रा सम्बन्धी अनुभूति पाइबाई तेरे आमर ए पदयात्रा आम प्रधान सिंह गुरुदेव शेषम गुरु सिंह महाराज 1992 मसीह आरंभ करते से किसी दिन जाऊ कहीं आम तो चाकरी करूँ सब सब समय दे पारे छुट्टी नहीं किसी दिन जाऊ तापर जो आम भिआरसी नेल 2001 मसीह से जेहतु पदार्थ जुआ दूरे हेले आम सब पूर्ण मात्रा पदार्थ आत्मी कर ए बर्ष अनुभूति मुझे कहचु जे मदन प्रभु कहले एथर आठगढ़ सैड मानने एरिया सब पदयात्रा करवा आ तुम सब चिन्ह पचे सांग थे कह हाँ आम सब सांग अच्छे गुरुदेवर भी छात्र सब अच्छा आठगढ़ पाखापर से कहे ना टाउन करवानी आम यू महानदी कूले कूले सब जो रही गाँ से गाँव करवा ग्राम ग्रामे आम तो हरिकृष्ण महोत्सव करे सहर सहर से ग्राम ग्राम करवा तेणु ठीक है करवा तेणु आमर प्रथम पदयात्रा बाहर भुवनेश्वर डमणारू तापर है मधुबन तापर अन्य बाट देखते आसलु तापर आम आठगढ़ जो एरिया सब पड़ा तापर तिगेरिया बड़बा नरसिंहपुर ये सब पदार्थ देखिए आसचु मानने जगह देकर तो टे पदयात्रा रही बेले बहुत असुविधा रही कौटी स्थान मिलूनी आमर रही कौट पानी असुविधा अच्छी बाथरूम प्रॉब्लम अच्छी ता सत्वे भक्त मैंने किसी असुविधा फिल करना पदयात्रा भल चलती आउ विशेषकर ये आमर ए बर्ष जो भल सुविधा कले मंदिर भक्त मान किसी दिन सब गाड़ी नहीं आसती किसी भक्त मैं प्रसाद नहीं आसती से पदा चलती तो से भक्त मैं बहुत उत्साह प्रदान करमर ये पदार्थ अनुभूति होती आम एथर जो पदयात्रा गलु महां कूले कूले जंगल किसी पड़ा सुंदर परेश भक्त मान सब शुद्ध अम्लदान पाइन अम्लदान ऑक्सीजन जोटा कि आम टाउन सर पाइबानी आ सुंदर परेश बड़मारे आस बड़मारे पड़ा आमर जो गोटे गाँ पड़ो बड़मा ठाकुरानी भट्टारे ठाकुरानी से जगह बहुत सुंदर लगे से आम आम अन्य टाइम जाऊ से जगह परिश्रम करने एथर भी आम देखी आसलु तापर अन्य जगह सब देख लु से विशेषकर जो गोटे कार्तिक मास माँ मान संख्या अधिक था भक्ति महिला सब अच्छा से सब पुरुष मान सहित संकेतन से निजे संकेतन करके आसती आम को बहुत उत्साह समाधान देखते सब गाँ 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 मैं सब चिता पक झोटी झोटी देखिए झोटी पकईकि सब फूल फूल आग सब देखते आलहुल हरिहल सब जगह मान जगह सब पर मानते मुखरित उठे जाऊपर आमर सन्ध्या बेले जो कार्यक्रम हुए प्रवचन कार्यक्रम तापूर्व दीपदान हुए से माँ मैंने दीपदान कहतीपर समस्त डिक्लेयर होता है तुम्हें साढ़े चारटे आम मंदिर ये संकेत आम आरती प्रोग्राम हम तुम्हें सब आस दीपदान कर तेणु माँ मैं सब चार रात साढ़े तीन सब गाधा पाधा करके सब भल लुगा पिंधिक आस दीपदान करते आम देख लु गाँव मन जे पुरुष मानक अपेक्षा स्त्री मानक बहुत मानने आग्रह अच्छी भक्ति रही सहजगे तो कार्तिक मास आउ बहुत किसी कह तो अन्य भाई मैंने कहे ये मुझे भक्त जय श्री गुरुदेव की महाराज जय महाप्रभु की आम भक्त विग्रह प्रभु को अनुरोध करवा से अनुभूति कहे ପ୍ରଥମେ ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପଦକମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତତ୍ପରେ ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ
ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀପାଦ ସାତତ୍ପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରା ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଥିଲୁ ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଆସିକି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ବି ପଦଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଲି ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ରହିପାରିବ ପଦଯାତ୍ରାରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆସିଛି ତ, ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ଗୌରନେତାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ମୁଁ ଭାବିକି ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରନେତାଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିଲି। ଆଉ ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ହଉଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା, ଏବେ କେମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଆଉ ଗୌରନେତାଙ୍କର କୃପା କେମିତି, ସବୁ ସେ କହିଲେ। ଆଉ କହିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବି ସେ ସବୁ ପୁରା ନିର୍ଯାସଟା ପୁରା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରାଂଶ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ନାମର ସେ ଜନକ, ସେମିତି ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେ ଜନକ। ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ସେଟା ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିବିନି। ତଥାପି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୌରନେତାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିଜେ ଗୌରନେତାଇ ନାମ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶ କେମିତି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଉଦିଲ ଋଣ ପୂରବ ଭାଗେ ଦ୍ୱିଜ ମନି ଗୋରା ମନି ଜାଗେ ଉଦିଲ ଋଣ ପୂରବ ଭାଗେ ଦ୍ୱିଜ ମନି ଗୋରା ମନି ଜାଗେ ଭକତ ସମୂହ ଲୟା ସାଥ ଭକତ ସମୂହ ଲୟା ସାଥ ଗେଲାର ନଗର ବ୍ରାଜେ ଉଦିଲ ପୂରବ ଭାଗେ ଦ୍ୱିଜ ମନି ଗୋରା ଅମନି ଥଇ ତା ଥଇ ବାଜଇ କଲ ଘନ ଘନ ତାହିଁ ଝାଞ୍ଜେର ରଲ ତା ଥଇ ବାଜଇ କଲ ଘନ ଘନ ତାହିଁ ଝାଞ୍ଜେର ପ୍ରେମେ ଢଲ ଢଲ ସୁନାର ପ୍ରେମେ ଢଲ ଢଲ ସୁନାର ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା ବେଳେ କେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ, ଆଉ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବେଳେ କେମିତି ହଉଥିବ। ଖାଲି ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ ଖାଲି ଗାଁ କମ୍ପୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ସେଇ ଗାଁଟା ଦିନ ତମାମ ପ୍ରେମ, ଦିନ ତମାମ କୌଣସି ଲୋକର ମୁହଁରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ କରିଛି, ଟିକେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ କୋଉଠିକି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ, କେହି ପଚାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୌରନେତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ସୈନ୍ୟ ଯାଇଛୁ ପରା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗଲେ, ଯୁବକମାନେ ଗଲେ ଆହୁରି କେମିତି ପୁରା ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ପଦଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜୀବ ଜାଗ ଜୀବ ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୋଲେ ଜୀବ ଜାଗ
जीव जागो गोरा चांद बोले तो निद्रा जा माया पिसाची रतोले तो निद्रा भजिब बोलिया से संसार भितरे भजिब बोलिया से संसार भितरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे भूलिया रही अविद्यार भरे तुमारे लईते आमी होइनो अवतार आमी बिन बंधु आर के आछे तुमार एनेछियो सखी माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लव तुमी मागी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ବାହୁ ମେଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆସ 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 ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ସେ ମହାବଦାନୀୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି ମୁଁ ଖାଲି ହାତ ମେଲେଇକି ରହିଲେ କଣ ହବ ଆସିପାରିବେନି ତେଣୁକରି ମୋତେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆହୁରି ବଦାନ୍ୟ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ଗୌର ନୀତା ଅବଦାନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଯାଚୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ଉଠ ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲଣି ତମେ ଭୁଲିଗଲଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲଣି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ପୁରା ଖେଳି ଯାଇଛି ଆମେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତି ଓହୋ ବାବାମାନେ ଆସିଗଲେ ଆସିଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୟ ଭକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ କି ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିକି ଆସିଲୁ ତେଣୁକରି ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେତେ ମାଷ୍ଟିଆ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମାତା ଜୀ ଥାନ୍ତି ସେ ନାହିଁ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଆମେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସେ ତା ଚାଲିବ କାରଣ ମାଷ୍ଟିଆ ଲୋକ ଯେତେ ସେ ତା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦିଏ କ୍ଲାସରେ ଯା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମେ ପୁରନ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁ ଜିଷ୍ଟ କହିବେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଯୋଉଟାକି ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେନି ଅଲରେଡି ଦୁଇ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମୟ କମ୍ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରନ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଗୋ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ହଳଧର ମହାରାଜ ବି ଭକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଗାଁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ସେ ଭାଇନା ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ରହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଆମେ କହିଲେ ନାହିଁ ମଦନ ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ବି କହୁଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମ ପଦଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି
ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୌନୀତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌନୀତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆର୍ମି ପ୍ରଭୁ ଏନା କାଲି ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମଦନ ପ୍ରଭୁ, ବାଟରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଶଶାଙ୍କରେ। ମୁଁ ପଛରେ କାର୍ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି ଶଶାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସବୁ ରାଗିକି ନିଆ ଗାଁ ସାରା, ତମେ କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦବାନି, କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ। କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ, ମଧୁରା ମାତାଜୀ ନା ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, କଣ ଇନଭାଇଟେସନ, ଆମେ ଥାଉ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଗୁରୁଦେବ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆରେ ସେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରିବି ମୁଁ ସବୁ, ହଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଚୈତନ୍ୟ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଯାଇକି ବାହାଘର, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନା ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେନି, ନା ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି, ହଁ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ସେ ବାହାଘର, ସେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ରହିବେ, ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ କରିବି, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ତ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ବାହାଘର କରିଦେବ। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ନା ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ହଁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ ନା, ହେ ତାରି ମୁଁ ଯିବି, ରାତି ଆସିବି ପୁଣି ପ୍ରବଚନ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ 300 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ବାହାଘର କରିବେ ପୁଣି 300 କିଲୋମିଟର ଫେରିବେ, ଏଠି କ'ଣ ସହଜ କଥା ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଗୁରୁଦେବ ବିଲକୁଲ ପଦଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ କୁହେ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରି ଅଛ, ଆମର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ହରିକା, ମହାପ୍ରଭୁ ହରିକା, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି ରଥରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ପିଲାମାନେ ଦରକାର ମଦନ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଆସ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୌନୀତା ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇନା କହୁଥିଲା ସକାଳେ 30 କିଲୋ 25-30 କିଲୋ ଗୋଟେ ପଥର ପଇଲା, ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଏମିତି ଘସି ବାଜିକି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ପଇଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତ, କିଛି ହେଇନି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କୁଆଡେ 25 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଆମର କୁହନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ସରିଯାଏ, ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଯିଏ ଥିବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ 15-20 ଜଣ ଆମର ଯୋଉ ମାତାଜୀ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ କାନ୍ଦିବେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏଇନା ଚିନ୍ତାରେ ସବୁ ପଶିଯିବେ। ଆମର ଚାଲିଛି, 8 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯିବେନି ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇନା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ହଲଧର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ମିଟିଂ ଚିନ୍ତା, ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, 40-50ରୁ ଆମର ଭକ୍ତ ବି କମି ନାହାନ୍ତି, ଆର ଗଲା ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆର ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମକି ପଦଯାତ୍ରୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦେ କି ଜୟ ପଦଯାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ। ନାଉ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପିକା ଦେଇ ଦାସୀ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏବଟ ହର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ପଦଯାତ୍ରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଲିଂ ଦଟ୍ ପଦଯାତ୍ରା ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ପିରିୟଡ୍ ଫର୍ ମି, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦଟ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସେମ୍ ଫିଲିଂ ୱେନ୍ ୱି doing service here, and I think same happiness we will have in spiritual world doing service there. And for me, actually, three
points in year. I already told before that most important periods in year. Now this Padayatra finished. Now I will think and wait for Hare Krishna Utsav. Then I will think and wait Radhayatra, and again Padayatra. This is three most important periods in year. I was thinking and praying Krishna to let me stay here, let me do service, participate. I'm very thankful to all devotees, organizers, for this big opportunity to participate, to do some small service. I'm very thankful to all devotees who are participating, because you're all teaching me by your example how to do service. So sometimes we're thinking Kirtaniya doing big service or Pujari doing big service, but also hard service doing our kitchen, whatever, any rain, hurricane or something, three times per day our prasad is ready for all devotees. And actually my thanks to everybody and each Padayatri and Padayatri devotees and Bhubaneswar devotees. Thank you very much. Hare Krishna, bahut bahut dhanyabad Sundari Gopika Devdasi ebang tangara putra kon dana श्याम बिहारी को मध्य अनुरोध कर किसी कहू से कहू पुरंदराचार्य होंगे स्वामी आती हूँ पुत्र तेणु स्वामी स्त्री पुत्र पदा भाग नहीं थे यापर आम अनुरोध करवा सीतावती प्रभु को मझे से ब्रेक कर दे भुवनेश्वर को किंतु टे चंचल है जा मन टेक शांत कर पलि जाती इधर इधर उधर हरे कृष्ण के समय कह गोटे मिनट कह पदयात्रा मुझे देखी के करतल मूर्तन ठीक बजाई पार ना मदन महाप्रभु मत अनुरोध कले तुम्हें गले सब विश्वघा जा स्टेज प्रोग्राम मूर्त बजाऊ आ झांज बजे पार ना पे आ ना पा आसे ठीक गाइड कर चल तेणु मत संपूर्ण रहा पड़ा हरे कृष्ण प्रभु की यापर आम सर्वज्ञ प्रभु अनुरोध करवा से समस्त संक्षिप्त कहीं बहुत समय एक्चुअल हो जाए हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपा जय श्रील गुरुदेव उपस्थित हलधर महाराज एवं गोपीनाथ फण महाराज एवं आम सभापति सतपति प्रभु समस्त को मोर दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण मोर बहुत किसी अनुभव अनुभव ना मुझे ठिया ही कहीपारे जहाँ कि मंदिर सब सेवा करजारी कर बाहर जापारे कि प्राय 15 दिन बोधे 26 तारीख रु जॉइन कर कंटिन्यू कर बहुत भल लगे जहा कि मैं शरीर मानने मैं कौन तक कह मैं बसि जाए से भल हो बहुत सुंदर अनुभव भुवनेश्वर निद्रा भल हुए कि पदयात्रा चली चली भगवान का ना होते रातर आम शुति बहुत सुंदर कौन शब्द किसी आवाज किसी हुए बहुत शांत जिन वृंदावन आम शयन कर लगे बहुत भल लगे मुझे सब चलता वर्ष सारा जमी आम लोकनाथ महाराज पदयात्रा चली ओडिशा भितर आम मानते वर्ष सारा चलता तेज बहुत भल हाँ हरे कृष्ण प्रसन्न प्रभु अनुरोध कर अनुरोध कह
नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद गोस्वामीनिति नामिने नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति श्री गौरभक्त बृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एठारे उपस्थित नीता युवरंग श्रीपाद पद्मरे और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं राधा दामोदर जशोदा मातांकर श्रीपाद पद्मरे मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं मोर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराजंकर श्रीपाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं शिल प्रभुपादंकर उपस्थित शिल प्रभुपादंकर श्रीपाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित तुलसी महारानीकर श्रीपाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं एठारे उपस्थित अच्छा गोपीनाथ श्री श्रीमद गोपीनाथ महाराज पाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम श्री श्रीमद हलधर महाराज श्रीपाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आमर इस्कनर वरिष्ठ भक्त तथा इस्कनर अध्यक्ष श्री श्रीमद सातपति प्रभुंकर पाद पद्मरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं एठारे उपस्थित समस्त भक्त आओ माताजी माने आओ प्रभु मानकर पाद पद्मरे मोर कोटि कोटि दंड प्रणाम। मोर वास्तविक संकीर्तन पदयात्रा रे मोर प्राक्टिकल अनुभूति विषय रे मु किछि कहिया को जाउची कारण प्रथमे मोर शिक्षा गुरु श्री श्रीमद श्यामघन प्रभु एवं मदन मोहन प्रभुंकर पाद पद्मरे मोर कोटि कोटि दंड प्रणाम। आओ श्यामघन प्रभुंक माध्यम रे मु गुरुदेव जेतले मु आस्तेली 94 मसेरे संकीर्तन पदयात्रा रे श्यामघन प्रमुख माध्यम रे 3 दिन जोग देथली तापरे 95 मसेरे मु 8 दिन श्यामघन प्रभु सहित मिसिगिरी गुरुदेव सहित जो संकीर्तन पदयात्रा रे जोग देथली तापरे भी मु प्रतिवर्ष किछि ना किछि दिन मु जोग दउथली कारण रिटायर्ड परे मु सबुदिने माने संकीर्तन पदयात्रा आर वर्ष भी कम्प्लीट करथली ए वर्ष भी मु संकीर्तन पदयात्रा मूलरु शेष जाय कम्प्लीट आज शेष करुछी। आ मोर एतिक अनुभूति किंतु इस्कन भुवनेश्वर सेन्टरटा हूँ गोटे वृंदावन सेठी कृष्ण बलराम अच्छा गुरुदेव इस्कन सेन्टर को तैयारी करछंती कृष्ण बलराम मंदिर आ गुरुदेव कृष्ण बलराम सहित कथबार्ता भी हाँ मु शुणी भक्त मान पाखु किंतु से वृंदावन धाम जी आनंद भक्त मैंने पाँच रही भक्त मैंने जी पाँच किंतु वास्तविक मोर अनुभूति ये संकीर्तन पदयात्रा रे जो मैंने जोग दे जो मैंने जोग किसी समय जोग दे निश्चिंत अनुभव करेंगे संकीर्तन पदयात्रा रे पूर्ण मात्रा आनंद रही आनंद रही सुख भी रही संकीर्तन मात्र जार सुख आनंद दरकार से मैंने संकीर्तन पदयात्रा रे जोग दबा उचित सब बेले आसी कौन कह कि भगवान तीन टा जिनस खुशी हाँ गोटे भगवान नाम प्रचार रे भगवान खुशी हाँ भगवान को सुंदर सुंदर प्रसाद तैयारी करी खुआइले भगवान खुशी हाँ आउ भगवान खुशी हाँ जो मैंने गुरुजन को सम्मान प्रदर्शन करती गुरुदेव को सम्मान जो मैंने प्रदर्शन करती भगवान तापर खुशी हाँ आम गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज कहते वैष्णवता ही सरलता ही वैष्णवता वैष्णव मान भद्र हवा उचित आउ डिसिप्लिन मेंटेन करा उचित आउ डिसिप्लिन जार ना से वास्तविक वैष्णव नुहे मु अनुरोध करुच्ची जो मैंने निजक वैष्णव बोली भावुंच निजे सरल हूँ आउ डिसिप्लिन मेंटेन करूँ आउ
सबुबले जो माने परिचालना क्षेत्र में लीडरशिप करछन्ती सेमानकर कथा को मानिकरी अखर अखर कथा को मानिकरी कार्य करबा उचित मो एती कहिकरी मो वक्तव्य संग करछी हरि कृष्ण आपनको बुझी यापरे आमे जो माने विशेष करी परिचालना थिले तांको तीन चार जन तो सुनिबा तापरे आमे अन्य अन्य को डाकिया मारे हस्तर उपाने त प्रसर पकाना बहुत समय चली बहुत घड़ी गलानी तेणु सर्वप्रथम को डाकुची आमर भरतदास प्रभु को डाकुची जदि से पूजारी थे समस्ते खूब कम समय कहे कहीं एक्चुअली बहुत समय बीती गला मानने प्रसाद पाइब टाइम बढ़ी गला सब पदयात्रा अपेक्षा यही वर्ष पदयात्राटा टे अलग कारण यही वर्ष लोक मैंने ये उत्साहित होमको वंदना कले आम के अनुभव कर गोटे पर्टिकुला ग्राम कहूँ से ग्राम रोक मैंने माँ मैंने पूरा पचास जन आमको चार किलोमीटर पूर्वर जामको अभ्यर्थना करके आने हूलहुली आ फूल वंदना करके आउतापर से कौन कले पर दिन आसी सब मंगलारती है जगदले आ दीप दिखती आध्या दीप दिखती आम से सब जप कराऊ आने कहते आपे आसवे आउतापर से कौन करें जितेबाला जाऊ जमी कृष्णबलराम को जिते गले मथुरा जमी गोपी मैंने सब जाते पछड़ी देवाई सेमती आमको गोटे किलोमीटर पर्यटन पछड़ी देपर हूलहुली पकड़े से मुंडिया मारे आमती आखिरी मुझे देख ली असुर पूरा बही जा सब पणते गाने आखिरी पोछुच मैंने एमती भी आउ गोटे जगार सेमती आमको बाटे आसे आई वर्षा एमती भल पाइले समस्ते आमको पचार डाकिले के आसबू आय जो गाँव को आम जीवु से फोन कर प्रभु मैंने जाऊँगी तुम्हें जमी व्यवस्था टे भल कर आमको एवं सुधा से फोन करके आसबे तो पंद्रह किलोमीटर हो गला आम तो जापरबूनि आगे टे आम गाँव में आसतु आ भुवनेश्वर गले आमको टे देखिए आप समस्त की प्रतिश्रुति देती सुशील कृष्ण प्रभु जी पदयात्रा जो परिचालना टीम रुटे सदस्य तथा तो मंदिर टेम्पल कमांडर जय श्री प्रभुपाद की जय जय श्री गुरुदेव की जय महाराज श्री की गुरुदेव की जय एक वर्ष पदयात्रार 23 तारीख रोटे घटना कहूँ अक्टोबर 23 तारीख से गाँव में पूर्व बात्या आ तो 24-25-26 सरकार घोषणा करदे कौटी आमको बात्याश्रय स्थल मिलला कि स्कूल मिलेनी तो से गाँव को आम जा प्रसन्न प्रभु जो कहले से गाँव में पहुँचल से रही कौन सी जगह ना प्रसाद पाइबापी पाइबा भी जगह ना से गाँव लोक जा स्कूल को सार कहले आगे स्कूल छाड़ दिंतु आम भक्त मान टे रे से सार जमा शुणिले गाँव लोक सब सारे बहुत बिगिड़े तापर मुझे पहुँचली मुझे कहली सार आम स्कूल दरकार ना खाली 12 छाड़ दिंतु तो से बहुत कष्ट से 12 छाड़दे आ गए छोट घर दे जोटे आम सेवास आसन सब रक्त मान को देखे कहली ये रही आज रात तो से समय भितर आम सब प्रसाद पाइल आ छोट घर टाला जमा 7-8 जन रही जगह से जगह जगह आमर भक्त मैंने कौन कले जगह टाक सांगे सांग कभर करदे मशूरी पकई की तो आमर जो सीनियर कंग्रेगेशन भक्त मान सब आ से सब बाहर रे सन्ध्याला कौन कर तो आगुआ सब मसूरी पकई देते तो आम प्रसन्न आत्मा प्रभु भरदेश प्रभु महाप्रभु आम भक्त विग्रह प्रभु से कौन कले सब गछ तले सब टेन्ट पकई गछ तले से शुले कि आम यंग ब्रह्मचारी मान सब सब बारंडा कभर करते प्रसन्न आत्मा प्रभु जो कहले जो आज भद्रवा दरकार तो आम भक्त मान जो मंदिर सब रोचे ध्यान देवा दरकार से आम सहित बुलूं ये वृद्ध बयस सम्मान देवा सहित भल व्यवहार देखा
ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯିଏ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଗ୍ରଣୀ ସେନା ଆମର ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ମଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ମହାରାଜ ସାତପତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପଦଯାତ୍ରା, ତ ସେଣ୍ଟର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କେବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେନି, କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିସ, କିନ୍ତୁ ସାତପତି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କଲେ କି ଯାଅ ମଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର, ସେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ, ତ ସେଠି ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଦନ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଆସିଲି। ତ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମଦନ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲୁ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବା, ତ ମଦନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଛି ବି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କେଉଁ ବି ବର୍ଷ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାଥୱେ ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆମ ପଦଯାତ୍ରାର ଏଇ ବର୍ଷର ଆଧାର ହବ ମହାନଦୀ। ତ ମହାନଦୀ ତୀର ତୀରରେ ମାନେ କୂଳ କୂଳରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ବୁଝିବା ଆଉ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଥାଏ, ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣାଇବ, ଯେତେ ବି ମାନେ ମୁଁ ସୂତା ସମାନ ଆଉ ସବୁ ଏ ଜଗତରେ ମୋ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଭଳି ପୁରା ପଦଯାତ୍ରାର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ହେଉଛି ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୈନ କେନଚିତ ଅନିକେତ ସ୍ଥିର ମତିର ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ ନର। ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଟେକଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର ବେସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଛି ସୁଶୀଲ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ବିଜିତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଜିମିଦାରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆମର ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପଦଯାତ୍ରା, ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ତ ପରମପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 15-20 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲିଷ୍ଟର ଟୁ ବ୍ଲିସ୍, ମାନେ ପାଦରୁ ଫୋଟକାରୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତି ଡେଲି କୋଉ 5-10 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜ ଯୋଉ ହଳଦର ସାହେବ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ବି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ୟାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ବହୁତ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତ ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କୋପରେସନ୍ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ରଖିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ କି। ଏହାପରେ ଆମେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଚାର ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମସ୍ତ ନାଁ ଡାକିବେ, ନାଁ ଡାକିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଉପହାର ନେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି, ଜୟ ହରେ।
कृष्ण यहाँ मोर द्वितीय वर्ष पदयात्रा संपूर्ण पूर्ण भाव में कंप्लीट करस मत सेवा मिलता विभिन्न स्कूल कॉलेज शिक्षानुष्ठान मानक पिला किसी भगवत सम्बन्धी स्पिरिचुअल प्रोग्राम करने पा विषय किसी बुझे चेष्टा कर वर्ष भल भाव कर मत मंदिर तरफ किसी सुविधा ना मु बहुत दूर दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर बहुत दूर दूर जगह देखिए विभिन्न स्थान कौट कॉलेज कौट हाई स्कूल विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान अच्छे विभिन्न जगह पहुँची एवं से सार प्रिंसिपाल संगे मिसिक प्रोग्राम करने विषय कहपर से अनुमति प्रदान कर प्रथम प्रथम से मना कर ना तुम इस्कन वाला सब अदनीय रथ जात्रा कर जगन्नाथ संस्कृति मानुन आमे सब भूल काम कर बहुत विभिन्न क्वेश्चन पचार था से सिंपल भाव बुझे से परमिशन दे था महाप्रभुकर भविष्य आनी पृथ्वी ते अच्छे जिते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होते मोर के नाम आज महाप्रभुकर भविष्यवाणी ता सत्यार परिणति समग्र पृथ्वी नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे आज महाप्रभुकर हरिना महाप्रभुकर वाणी प्रचार होती आम तो विभिन्न जगह मानक स्पिरिचुअल प्रोग्राम अच्छे कि देखुची विभिन्न शिक्षानुष्ठान मानक पिला संबंधी कौन शिक्षा भगवान संबंधी किसी कह दरकार जहाद्वारा से मैंने भक्ति लाइन जहाँ आसपार भगवान को बुझीपर और भगवान को भक्ति करें मोर इच्छा से दिन चाहूँगी कि मत सेवा सुजोग मिल थो बहुत बहुत धन्यवाद मान कर भगवान कृपा करते मत सेवा सुजोग मिल था हरे कृष्ण जय विजय कृष्ण प्रभु की समस्त हरे कृष्ण आशा कर समस्त को ये पदयात्रार संवर्धना उत्सव बहुत सुंदर लगुच का भल लगुच थे हरिबोल करे कि जेहेतु समय गड़ी अच्छे से आम सब भक्त रियलाइजेशन शुणी पारने तो आम आ गोटे अरेंजमेंट करवा जहाँ फल आम बाकी भक्त मानी शुणीपर एवं केवल ना डाक मानूम समस्त आप्रिसीएट करवा हरे कृष्ण कीर्तन सहित वेलकम करवा से आगे आसवे और महाराज हस्तर किसी उपाय ग्रहण करेंगे तो प्रथम ब्रह्मचारी भक्त मान ना डाकुच जदु प्रिय प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम विजित कृष्ण प्रभु शरद बिहारी प्रभु श्री नृसिंह प्रभु कृष्ण पीतांबर प्रभु प्राणधन प्रभु भक्त कानु भक्त हरीश श्याम प्रभु साधु भूषण देव प्रभु ईश्वरपुरी प्रभु
श्याम सुंदर प्रभु माधवेंद्र पुरी प्रभु शारथी प्रभु संतुष्ट माधव प्रभु संतुष्ट माधव को कुछ कहना चाहूंगी हम जब बजरंगी भक्त अनंत कुकिंग स्टाफ एवं कुकिंग असिस्टेंट जो मैंने अच्छा से मन में आ गया संतु पुरुषोत्तम प्रभु आमर ड्राइव कर प्रभु जी पुरुषोत्तम प्रभु अच्छा ही थे पुरुषोत्तम प्रभु गणेश प्रभु ये हेले काली कृष्ण प्रभु जितेन प्रभु सर्वमंगल प्रभु कपिराज साहू कुकिंग असिस्टेंट प्रभु जी मैंने आकाश प्रभु चिकू चिक्की आकाश प्रभु चिकू एंड चिक्की आकाश चिकू एंड चिक्की एवं हमर किसी भक्त सेवा जो से पलि जाइंट पदयात्र आज लास्ट दिन नहांती आम सहित श्रीपाद अक्षयहरी प्रभु श्रीपाद अघारी प्रभु एवं श्रीपाद नामाचार्य प्रभु एवं श्रीपाद रामचंद्र कपिराज प्रभु तो ये पदयात्रा संपूर्ण भाग देते भाग नहीं आमर कैलाश परिडा तो से पदयात्रा एवं नहांती किंतु से संपूर्ण पदयात्रा रे भाग नहीं हरे कृष्ण संतुष्ट माधव कहिया एक मिनिट रे कहिबे कहीं जेतु से किछ कहिया चाहते एक मिनिट रे से कहिबे तापर आम आज रही अनुमोदन तथा जो समाज जोड़ी आज समापन पदयात्रा दिवस सभा को विश्राम दवा हरे कृष्णा बहुत अनुभूति अच्छी गोटे मिनट कौन कहते भक्ति प्राणी गोपीनाथ स्वामी महाराज कहते भगवान कृष्ण सब व्यवस्था करती तार गोटे उदाहरण पदयात्रा मोर अनुभूति जिते बात्या मोर मंदिर पूजारी सेवा आउ जन सेवा करते तो सी कहले मुसबी सतत बाबू मत फोन कले तुम्हें किए कहला पदयात्रा जावाक सतत बाबू मत पदयात्रा छाड़ न मोर इच्छा किंतु पदयात्रा आसपाई तो मुतपति प्रभु नवस्था पलि लुचिक बस रे प्रभु जो फोन कले मुझे कहे निश्चिंत जी पड़ो जो बाहर बात्या पूरा वर्षा आउ के जीवी
कही प्रभु मुझे गाँव रे लोक कहले आम तुमको गाड़ी में बसई दबू आम जी तापर मुझे जो आसली रोड को दी तीन टा कार एपट जंगल रास्ता किसी बस फस सुविधा ना तो कार जो अटकल गाड़ी कहीं अटकिले तर से लोकटा व्यस्त होगा मुझे कह तुम व्यस्त होनी कृष्ण जहाँ हृदय प्रेरणा देवे सी रख गाड़ी मुझे मत नहीं कृष्ण व्यवस्था पहुंचेबे कृष्ण मंडल तो जड़े लोक आसते सी गाड़ी अटकैले गाड़ी में जिते बसली मत जो छाड़िया नहीं आम ड्राइवर कहला प्रभु आप BMW गाड़ी में बसिक जा तो मुझे BMW गाड़ी में बस नी एवं से भुवनेश्वर चार्टर्ड अकाउंटेंट थी आठगढ़ से गाड़ी में बसई ने छाड़िले पचारि आप कहीं गाड़ी रखिले ना आप ये गेरुआ ड्रेस पिंधन इस्कन भक्त आम पाठ पढ़ला इस्कन जा 22 पेज रे बसु प्रसाद खाऊ से आपको छाड़ी तो ये गोटे अनुभूति आउ मु पदयात्रा को यही आसी प्रसाद बहुत सुंदर यही प्रसाद मंदिर में सुंदर रोसे टेस्ट लगुनी कि पदयात्रा एत टेस्ट मुझे दी तीन थर खाइबा थर के खाई आती प्रसाद पाए तेणु जी प्रसाद पाइबा सुंदर प्रसाद पाइबा चाहते खाऊनी पेट फुली जाए तेणु सुंदर प्रसाद आई पानी पवन बहुत भल लगे से आई पदयात्रा विशेष अनुभूति अक्षरी प्रभु महाराज जेहेतु गिरी गोवर्धन पूजा कथा कहले से गिरी गोवर्धन पूजा कथा कह अक्षरी प्रभु चलीगले तेणु मदन मोहन प्रभु मत कहले तुम्हें आज प्रवचन दब आज दब तापर मुझे यही पदयात्रा गौर नित्यानंद प्रभु कृपा प्रवचन दे बाहर लोक हरे कृष्ण से पदयात्रा मो बहुत स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये जो आज प्रसाद व्यवस्था करमर निराकार प्रभु से पाखे अच्छा तेणु आज जहाँ प्रसाद है से निराकार प्रभु समस्त भक्त व्यवस्था करोध कर पाखु पशुमाल्य नहीं जब तहत आज जहाँ आम उपहार समस्त भक्त देमर जी कि प्रसन्न गरम प्रभु को मुझे कही सेवा टैक्स दिया दिखाई से तार व्यवस्था करते तेणु जो जो भक्त कही जिते जो सेवा देवाई समस्ते करमर कंग्रिगेसन भक्त मैंने करना ब्रह्मचारी भक्त मैंने पदयात्रा सहयोग करेणु से आम मंदिर तरफ समस्त भक्त मानक जो मैंने साहय सहयोग कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दूसुँ भगवान पाखे प्रार्थना कर समस्त भक्त मान सेवा करूँ जोद्वारा कि वैष्णव मान कृपा लाभ करेंगे एवं भक्ति से अग्रगति करेंगे यहाँ ही भगवान पाखे श्री श्री गौनीत्य प्रार्थना श्री प्रभुपाद गुरु प्रार्थना जे से सेवा करूँ कृपा लाभ क्या सब सहज उपाय होची जदि आम वैष्णव सेवा करवा से खुशी होजे तेल से आमपाई भक्ति बहुत साय कर तेणु जो मैंने सेवा कर निश्चित भाव से महाप्रभु कृपा लाभ करिए श्री प्रभुपाद समस्त वैष्णव कृपा लाभ करिए हरे कृष्ण एठार आम आज जो समापन दिवस सभा करते आम विश्राम दूचे जय श्री प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की जय श्री श्री गौनिताय की संबेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि जेहेतु सब भक्त मैंने एकाठी अच्छे महाराज अच्छा गोटे ग्रुप फोटो केवल पदयात्री बर्तन तो समस्त पलिए जिते अच्छा आस ग्रुप कि समस्त आज पदयात्री क्या समस्त संभव ना क्या किए कड़े बर्तन प्रसाद समय ना तेणु जिते अच्छा चली आसत जो मैंने पदयात्री थे सामना को आस बाकी गुडा सैड आस आजिर प्रसाद मत बहुत भक्त मैंने सहयोग कर रोसई में अन्य कंट्रीब्यूट कर आमर कंग्रीगेसन रु जे कंट्रब्यूट कर आज मध्य पदयात्रा प्रसाद एवं निराकार प्रभु सहित आउ जन सांग चिन्मय प्रभु कंट्रब्यूट कर भक्त मैंने जो मैंने सेवा प्रदान कर पदयात्रा बहुत बहुत धन्यवाद तो यह एक प्रकार गोटे सरप्राइज थी आम कंटिन्यू ट्रिप करूँ आज ता सहित आम पदयात्रा नहीं आसलु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को यहपर नहीं आसमे से फर्मूला लगे आज तो आशा कर समस्त को आनंद आसला ग्रुप फोटो सामिल हूँ जीक हम माँ मैंने सब आगे बस जाओ बस जाओ चल बस जाओ कैमरा हटा हटा आग नहीं जाए गोटे बस जाओ मोर तक सब सैड कर दि तले बस जाओ
ଆମକୁ ଦର୍ଶ ଆମ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବ ନା କଣ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏଠୁ ପୁରା ପାଖରୁ ବସ ପାଖରୁ ବସ ଏଠୁ ପୁରା ବସ ଏପଟେ ସେପଟ ମୁହଁ ସେପଟ ମୁହଁ ବସ ବସ ଏପଟେ ବାପଡୁ ଆସ ବାପଡୁ ଆସ ସେ ପୂର୍ବଦେବ ମନା ନା ସେ ପ୍ରପାଦ ମନା ଆସ ମୋତେ ଏପଟେ ବାପଡୁ ଆସ ଡାନ୍ ସାଇଡ୍ ଆସ ସାଇନେ ସିଧା ଉଠ ଫଟ ସିଧା ଉଠ ଏଇଠୁ ହଁ ସିଧା ଫଟ ନା ବସିବା ବସିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରୀ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠିବ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥ ସାର୍ଥୀ ପ୍ରଭୁ ସୁଧା ପ୍ରଭୁ